महाभारत का सबसे अहम पात्र कर्ण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्ण एक महान योद्धा और बलशाली योद्धा था, फिर भी उसे अपने पूरे जीवन में अपमान का पात्र ही बना रहना पड़ा, क्योंकि उसका पालन पोषण एक शूद्र माता पिता द्वारा किया गया था। और यही वजह है कि द्रौपदी से प्रेम करने के बावजूद भी वो उससे विवाह नहीं कर पाया था, और सूत पुत्र होने के कारण उसे अधिक महत्व नहीं दिया गया। आपको बता दें कि द्रौपदी का विवाह पांडवों से होने के बाद उसने पिता अधिरथ के कहने पर एक सूत कन्या से विवाह किया, जिसका नाम रुशाली था। बाद में कर्ण ने सुप्रिया नाम की कन्या से भी विवाह किया। इस प्रकार कर्ण की दो पत्नियां थी, जिनसे कर्ण को 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई। आपको बता दें कि कर्ण के 9 पुत्रों का नाम कुछ इस प्रकार से था: वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपाद, प्रश्नसेन और बनसेन। इन सभी में पिता के समान पराक्रम तो नहीं था, लेकिन ये बहुत साहसी और बलशाली थे। ये सभी पुत्र किसी भी योद्धा के सारथी नहीं, बल्कि अपने पिता की ओर से योद्धाओं की तरह इन्होंने महाभारत के युद्ध में लड़ाई की थी। आपको बता दें कि महाभारत के महान योद्धा पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भीम, कर्ण, अर्जुन के सामने कर्ण के 9 पुत्रों का बल कुछ भी नहीं था, फिर भी उसके इन पुत्रों ने साहस दिखाते हुए पिता की ओर से युद्ध करने का निश्चय लिया था। और आपको बता दें, इस युद्ध में कर्ण के 9 में से 8 पुत्रों की मृत्यु हो गई। चलिए आपको बताते हैं कि कर्ण के पुत्रों की मृत्यु किसने की। आपको बता दें, महाभारत के युद्ध के समय बनसेन ने युद्ध में सबसे बलशाली यानी कि पांडवों में से भीम से युद्ध किया, और भीम के द्वारा ही बनसेन वीरगति को प्राप्त हो गए। वृषसेन, शत्रुंजय और द्वपित ने महान धनुर्धर अर्जुन के साथ युद्ध किया, और अर्जुन को भला कौन हानि पहुंचा सकता है, जब स्वयं भगवान कृष्ण उनके सारथिक थे। इस प्रकार से इन 3 पुत्रों की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई। कर्ण के अन्य 3 पुत्रों चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन ने नकुल के साथ युद्ध किया, और ये 3 नकुल के द्वारा वीरगति को प्राप्त हो गए। जबकि उसके पुत्र प्रसेन का युद्ध सात्यकी के साथ हुआ। सात्यकी अर्जुन का सबसे प्रिय शिष्य था और एक महान धनुर्धर भी था। प्रसेन का वध सात्यकी द्वारा हुआ, और इस प्रकार कर्ण के 8 पुत्रों का वध कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हो गया, और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन उसके पुत्र वृषकेतु का वध कोई नहीं कर सका, और युद्ध के बाद कर्ण के सभी पुत्रों में से केवल एक वृषकेतु ही जीवित बचा था। ऐसा भी कहा जाता है कि युद्ध के बाद पांडवों को ये पता चला कि कर्ण उन्हीं का भाई है, तब अर्जुन ने अपने भतीजे यानी कि कर्ण के जो जीवित बचे हुए पुत्र थे वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।